डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ट्वेल्थ ज्योग्राफी अध्याय 8 परिवहन एवं संचार, आज हम इसमें पढ़ाएंगे रेल मार्ग रेलवेज सड़कों का। हमने देख लिया है जहाँ सड़कों का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है, लेकिन अगर हम बात करें रेलवेज की बच्चों तो इसका इतिहास 175 साल ही पुराना है। पहला स्टीम इंजन बांप वाला इंजन बना था 1779 में, और पहली रेलगाड़ी 1825 में उत्तरी इंग्लैंड के स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच चलाई गई। वास्तव में रेलों का जन्म यूरोप में आई औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होना की कोख से हुआ है। बाद में रेल व्यवस्था में विकास होने पर औद्योगिकरण में तीव्रता आई, क्योंकि रेलवेज सड़कों के मुकाबले या सड़क पर चलने वाले वाहनों के मुकाबले कई गुना सामान लेकर जाती है। इसका इंजन शक्तिशाली होता है, करीब 100 ट्रकों के मुकाबले एक आराम से मालगाड़ी सामान ले जाती है, और ज़्यादा दूरी तक इस सामान को पहुंचाने के लिए अगर किसी चीज़ का परिवहन का यूज किया जाता है तो वह रेलवे है। अब क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों? अधिकतर रेल मार्ग पर्वतों की पदस्थली पर स्थित नगरों तक ही पहुंच पाते हैं। अधिकतर रेल पर्वतों की पदस्थली पर स्थित नगरों तक ही पहुंच पाते हैं। फुट हिल्स का मतलब है कि ये जो रेलवे है मैदानी भागों पर समतल भागों में ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि पहाड़ों को काटना और सुरंगों के निर्माण पर भारी खर्च आता है। ऐसे क्षेत्रों में रेल दुर्घटना का भी जोखिम बना रहता है। यही कारण है कि अधिकतर रेल मार्ग पर्वतों की पदस्थली यानी कि फुट हिल्स तक यानी पहाड़ों की तलहटी तक ही पहुंच पाते हैं। रेल मार्गों का वितरण संघन जनसंख्या वाले इलाकों में अधिक पाया जाता है। जब तक रेल सेवाओं की मांग न हो रेल मार्ग नहीं बिछाए जा सकते, क्योंकि रेल तंत्र का विकास करना एक महंगा सौदा है। यही कारण है कि सघन जनसंख्या विकसित कृषि प्रदेशों तथा औद्योगिक प्रदेशों में रेल का सर्वाधिक विकास हुआ है। रेल मार्गों के विकास और वितरण में उपनिवेशियों का भी हाथ रहा है। कॉलोनियल जो कि जैसे भारत ब्रिटिश का उपनिवेश था, हर जगह उपनिवेशों ने बंदरगाहों को उनके पृष्ठ प्रदेश से इसलिए जोड़ दिया ताकि गांव से अधिक अधिशेष उत्पाद छोटे नगरों और बड़े नगरों और फिर बंदरगाहों तक लाया जा सके। भारत में अंग्रेजों ने प्रशासन के शिकंजे को फैलाने और मजबूत करने के लिए रेल परिवहन का विकास किया था। यह सर्वाधिक विभिन्न उत्पादों सवारियों तथा डाक ले जाने के लिए सुविधा प्रदान करता है, यानी कि अत्यंत तीव्र गति वाला परिवहन भी है। गाड़ियों की अपेक्षा कई गुना भार ढोने की क्षमता रखता है। भारी तथा सस्ती वस्तुओं को दूर ले जाने में मददगार है। अधिक दूरी तय करने के लिए रेल सबसे उपयुक्त एवं सुविधाजनक साधन है। स्थल तथा स्थल पर पशुओं के परिवहन के लिए रेलों से बढ़कर कोई सस्ता और सुविधाजनक साधन नहीं है। रेल तंत्र किसी भी देश की आंतरिक परिवहन का आधार होता है। अगर हम बात करें अपने भारतवर्ष की तो यहाँ पे पैसेंजर स्टल लोकल गाड़ियाँ और देश के जो मेट्रो सिटी यहाँ पर जो बड़े बड़े महानगर हैं दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन का बहुत बोलबाला है, और कई नगरों में तो मेट्रो भी चल गई है जो कि बहुत ही शॉर्टकट और आसान सस्ता व कम दूरी में लोगों को सुविधाजनक सवारी का आनंद प्रदान करती है।
अब है रेल मार्गों का विश्व वितरण। विश्व में लगभग 13 लाख किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं। रेल मार्गों का सबसे सघन जाल यूरोप में पाया जाता है। यहाँ रेल मार्ग 4,40,000 किलोमीटर लंबे और इनमें से अधिकांश दोहरे और बहुमार्गीय दोहरे टू रूट। अब रेलवे गेज की बात करते हैं। बड़ी लाइन ब्रॉड गेज 1.5 मीटर से अधिक यानी पटड़ी की चौड़ाई। स्टैंडर्ड लाइन 1.44 मीटर। मीटर लाइन 1.00 मीटर। छोटी लाइनें स्मॉलर गेजेज 1 मीटर से कम। स्टैंडर्ड अथवा मानव लाइन का प्रयोग ब्रिटेन में ही किया जाता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा और आपकी जानकारी बढ़ाना चाहूँगा कि जापान जैसे देश में बहुत तेज गति से चलने वाली रेलें हैं जिनकी जो प्रति घंटा रफ्तार होती है बच्चों वो 400 से 600 किलोमीटर होता है। जबकि भारत वर्ष की अगर तुलना करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो रेलवे है स्पीड से चलने वाली वो 110 से 130 किलोमीटर है। तो हम उस तरह के ट्रैक नहीं बना पाए हैं जिस तरह के दूसरे देशों ने बना लिए हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर काम कर रही है और एरो ट्रेन बनाने का सपना मौजूदा सरकार का है, जिसकी जो अगर सही तरीके से अगर उसको इम्प्लीमेंटेड कर दिया गया तो एरो ट्रेन चलेगी तो जापान की बुलेट ट्रेन को भी पीछे छोड़ देगी और उसकी जो एवरेज स्पीड होगी औसत गति होगी 1,000 किलोमीटर में होगी, ना कि 100-200 किलोमीटर में। आप देखते हैं चयनित देशों में रेल मार्गों की कुल लंबाई 100 वर्ग किलोमीटर में। आप इसको देख लीजिए, याद कर लीजिए, ये 2005 के आंकड़े हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।